subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश कुमार, आप देख रहे हैं एमबी फिटनेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो है कि मल्टी सीट वाले दो फिट में किस तरह से आप सेट कर सकते हो, वो भी दोस्तों दो फिट में एंटीना पर। ये आप देख सकते हो दो एलएमबी है और ऊपर वाले है एलएमबी है दोस्तों, वो 42 पर अभी सेट है। और नीचे वाले है मेन एलएमबी, वो या सेट 52 पर मैंने सेट की है। मैंने दोस्तों आपको सभी वीडियो में आपको बताया कि दोस्तों आपको मेन एलएमबी है तो कोई भी सेटेलाइट पर आपको पहले सेट करना पड़ेगा, तभी दोस्तों मल्टी सेटेलाइट सेट कर सकते हो। ये आप सिग्नल देख सकते हो सामने दोस्तों मोबाइल पे, मैं आपको दोनों सेटेलाइट में आपको सिग्नल भी आपको चेक करा देता हूँ। लेकिन दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा कौन से टीपी दोस्तों आपको यूज़ करना पड़ेगा। वो टीपी दोस्तों कोई भी दोस्तों वीडियो में आपको नज़र नहीं आ रही तो वीडियो के नीचे आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। मैंने सभी वीडियो में दोस्तों टीपी एड की है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये आप देख सकते हो डिस्क की पोजीशन, पहले दोस्तों आपको यह सेट सेट करना पड़ेगा, फिर आप दोस्तों ये 42 का सेट आप सेट कर सकते हो मल्टी सेटेलाइट। ये आप देख सकते हो और मैं इसका सिग्नल मैं आपको चेक करा देता हूँ 42 का पहला, फिर बाद में दोस्तों या सेट 52 का मैं आपको सिग्नल चेक करा देता हूँ। ये ऊपर वाले है दोस्तों, ये आप देख सकते हो सामने मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ए वाले एलएमबी है टूर का सेट 42 पर अभी सेट है, 42 टूर का सेट 42 पर ए वाले एलएमबी। और ये वाले एलएमबी है या सेट 52 पर अभी सेट है दोस्तों। मेन एलएमबी दोस्तों आपको या सेट 52 पर आपको सेट करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपको 42 टूर का सेट आप सेट कर सकते हो। और पिछला वीडियो में मैंने दिखाया कि किस तरह से आप डिस सेटिंग कर सकते हो मल्टी सेटर, लेकिन दोस्तों काफ़ी दिन हो गए इसका वीडियो मैंने डाला, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको लेटेस्ट चैनल दिखाता हूँ और इसका सिग्नल भी आपको चेक कराता हूँ कि कितना सिग्नल दोस्तों मल्टी सेटर पर रिसीव होता है। ये आप देख सकते हो एलएमबी पोजीशन सेम रहेगी जैसे डीडी फिटनेस में रहती, इस तरह से आपको एलएमबी पोजीशन रखना है। ये रेस की टोंग टीपी, आपको टीपी नज़र नहीं आ रही तो वीडियो के नीचे आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। 12,000 वाली टीपी दो तो ये आप देख सकते हो, 12,053 वाली वर्टिकल 27,500 ए वाली स्ट्रॉन्ग टीपी है 42 तुर के सेट की। आप सिग्नल भी देख सकते हो 71 सिग्नल दोस्तों मुझे रिसीव हो रहा है एमबीजी 4 बॉक्स में। ये मैंने दोस्तों आपको 42 तुर के सेट का आपको मैंने सिग्नल चेक किया, अब मैं आपको चेक कराता हूँ या सेट 52 का सिग्नल आपको मैं चेक करा देता हूँ। ये रही इसकी डिस्क की पोजीशन दोस्तों, पहले आपको या सेट 52 पर आपको सेट करना पड़ेगा, तभी दोस्तों 42 तुर का सेट आप सेट कर सकते हो मल्टी सेटेलाइट। और सामने दोस्तों आप सिग्नल भी देख सकते हो और एलएमबी पोजीशन सेम रहेगी जैसे डीडी फिटनेस में रहते, इस तरह से आपको एलएमबी पोजीशन रखना है। ये मेरा एयरटेल का इन्वर्टर है, एलएमबी में यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों काफ़ी सिग्नल दोस्तों इसमें रिसीव हो रहा है। ये बेस्ट एलएमबी है दोस्तों, क्योंकि नॉर्मल एलएमबी में इसका सिग्नल रिसीव नहीं होता है। दोस्तों मैं आपको या सेट में इसका वायर कनेक्ट कर देता हूँ, फिर मैं आपको इसका सिग्नल भी आपको या सेट 52 से सिग्नल में आपको चेक कर देता हूँ कि इस या सेट 52 पर कितना सिग्नल दोस्तों रिसीव हो रहा है। मैं इसको निकल के दोस्तों या सेट में कनेक्ट कर देता हूँ, ये आप देख सकते हो मैंने दोस्तों कनेक्ट कर दिया, और मैं इसका सिग्नल भी आपको चेक कर देता हूँ या सेट 52 का कि इस या सेट 52 पर कितना सिग्नल दोस्तों रिसीव होता है। ये आप सिग्नल भी देख सकते हो सामने, और मैं आपको नज़र के भी आपको दिखा देता हूँ, सामने नज़र नहीं आ रहा है तो ये आप देख सकते हो 74-71 सिग्नल दोस्तों मुझे रिसीव हो रहा है एमपीजी 4 बॉक्स में। ये रही इसकी टोंग टीपी, आप टीपी भी नोट कर सकते हो, इसकी टीपी आपको नज़र नहीं आ रही तो वीडियो के नीचे आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। 71-74 सिग्नल दोस्तों रिसीव हो रहा है, और आप डिस्क की पोजीशन देख सकते हो, पहले दोस्तों आपको या सेट 52 पर आपको सेट करना पड़ेगा। ए वाली डिस है 83 पर अभी सेट है, इंसर्ट 63 पर, ये 6 फिट का एंटीना है, ये 2 फिट का एंटीना है। ये दोस्तों मैंने या सेट और 42 तुर के सेट पर अभी सेट किया है। ए एलएमबी पोजीशन आप देख सकते हो, मैं आपको डिस्क के सामने से दिखा रहा हूँ एलएमबी पोजीशन, ऊपर वाले है दोस्तों 42 तुर के सेट पर अभी सेट है, और नीचे वाले एलएमबी है या सेट 52 पर मैंने सेट किया है। और इसका सिग्नल मैं आपको सामने से दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो सामने मोबाइल में 71-74 दोस्तों मुझे सिग्नल रिसीव हो रहा है एमपीजी 4 बॉक्स में। और ये डिस्क की पोजीशन, आप डिस्क की पोजीशन देख सकते हो, पहले दोस्तों आपको या सेट 52 पर आपको सेट करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपको 42 तुर का सेट आप सेट कर सकते हो।
और ऊपर वाले डिश है दोस्तों DTP डिश पर अभी सेट 93-95 इस्ट पर अभी दोनों मेरे पास सिग्नल रिसीव हो रहा है। यही थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ।